अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। मैंने रिसेंटली रेगालिया होटल में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंसल्टेटिव सेशन अटेंड किया है एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। इस सेशन को एनजीओ आस, मुस्लिम हैंड्स, पाकिस्तानी ह्यूमैनिटेरियन फोरम और इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था। इस मौके पर ग्लोरी मैगजीन की सोफिया सिद्दीकी ने बहुत अच्छा सेशन डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी सिर्फ डिज़ास्टर को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फ्लाई तंजीमें उस मुश्किल घड़ी में एक्टिव होती हैं, लोगों की मदद करती हैं, हम उन पर रिपोर्टिंग नहीं करते। हमें ऐसी पॉजिटिव ख़बरें भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। मुस्लिम हैंड्स के मैनेजर रिहान ताहिर ने भी इस मौके पर बहुत ज़बरदस्त सेशन दिए। उन्होंने यूएई में होने वाले COP28, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, के हवाले से आगाह की। उन्होंने बताया कि COP28 में पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर बात करेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फ्रूटफुल नतायज सामने आएंगे। पैनल डिस्कशन के दौरान आज की डायरेक्टर प्रोग्राम उज़्मा उशू ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को आगाह करने की अशद ज़रूरत है और मीडिया को इसमें अपना प्रोएक्टिव किरदार अदा करना होगा। IRC के हेड ऑफ पॉलिसी एडवोकेसी सरमद इकबाल, PHF के कंट्री कोऑर्डिनेटर सैयद शाहिद काजमी, PTV एकेडमी एंड स्पोर्ट्स के GM इमरान सिद्दीकी और प्रेस क्लब की फाइनेंस सेक्रेटरी नैयर अली भी पैनल का हिस्सा थी। पैनल ने पार्टिसिपेंट्स की ना सिर्फ क्वेरीज का जवाब दिया बल्कि इनको हर तरीके से असिस्ट करने की भी याद दहानी करवाई। इस मौके पर नैयर अली ने कहा कि हम सब एनवायरमेंटल इश्यूज के जिम्मेदार हैं, हमें अपने बच्चों को भी तरबियत देने की ज़रूरत है। सेशन के इख्तिताम पर पार्टिसिपेंट्स में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। पार्टिसिपेंट्स के लिए लेविश रिफ्रेशमेंट का भी बंदोबस्त था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।